Good morning, students. Welcome here. As you know very well that our half chapter has been completed already. Okay. So today we will explain the next concept or this chapter as the chapter number 9 in history. So our new concept is we are taking that some eminent social reformers. Kuch pratishthit kya samaj sudharak. Social reformer means. So, राजा राम मोहन राय जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे उनमें कुछ और भी थे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ठीक है तो फर्स्ट लेते हैं राजा राम मोहन राय वाज अ मेंबर ऑफ द रिफॉर्मर मूवमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या कहते हैं भारत का एक अग्रणी अग्रणी किसको बोलते हैं जो लीडर होता है जो फर्स्ट स्टेप लेता है किसी कार्य के लिए तो राजा राम मोहन को एक अग्रणी बोला जाता था यानी मूवमेंट के लिए स्टार्ट लेते ही सपोर्ट वुमेन एजुकेशन एंड विडो इम्पैरेज उनका जो सबसे मुख्य कार्य था एक समाज को सुधारने के लिए तो फर्स्ट स्टेप उनका था कि वो औरतों के एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते थे और दूसरा उन्होंने क्या किया विडो इम्पैरेज यानी पुनर्विवाह अब ये उनके दिमाग में कैसे आया ये देखते हैं हिज ब्रदर्स वाइफ वॉज फोर्स टू कमिट सती क्या हुआ एक बार उनके जो भाई की पत्नी थी उनको उनके भाई की जो है मृत्यु हो गई थी तो उस समय उनको महसूस हुई ये चीज कि उनके भाई की पत्नी को फोर्स किया जा रहा था सती के लिए सती किसको बोलते हैं कि जब एक स्त्री का पति मर जाता है यानी वो विधवा हो जाती है तो उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपने पति की चिता के साथ यानी जलती हुई अग्नि में वो अपने आप को समर्पित कर दे यानी जिंदा वो क्या करे जल जाए उसको बोला जाता था सती तो उसको फोर्स किया जा रहा था इस रीति रिवाज के लिए ये जो एक प्रथा चली आ रही थी एंड ही रियलाइज उस समय उसको महसूस हुआ दैट सच प्रैक्टिस वर ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन कि ये किस कारण हो रहा है ये अशिक्षा के कारण हो रहा है जो औरतों के प्रति एक धारणा है एक उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता था ये उसी का एक परिणाम है जो आज ये नारी को भुगतना पड़ रहा है तभी सुनकर मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं हम लोग इसी के दोषी हैं और समाज को ये करना बहुत जरूरी है कि जो उनके मान सम्मान की ओर देखा जाए सो लॉर्ड बेंटिक दैट गवर्नर जनरल उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिक उन्होंने सती को बैन किया इसके लिए ड्यू टू द अफर्ट इन्हीं कारणों को देखते हुए जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नर जनरल को कि वो सती को बैन कर दे 1829 में वो बैन कर दिया गया नाउ नेक्स्ट आते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन्होंने औरतों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए सबसे ज्यादा उन्होंने जो जोर दिया वो दिया एजुकेशन ऑफ गर्ल्स कि लड़कियां पढ़ेंगी तभी वो अपने घर को अच्छे से संभाल सकती हैं अपने घर को अपने बच्चों को वो पढ़ा सकती हैं और आगे की जो जनरेशन है वो शिक्षित हो सकती है उन्होंने ब्रिटिश ने पास कराया उन्हीं के द्वारा द विडो इम्पैरेज एक्ट की पुनर्विवाह कराया जाए 1856 में ये एक्ट पास हुआ इस एक्ट का जो एक मुख्य उद्देश्य था वो था कि अगर विधवा औरत है या नारी है जो भी तो उसका जो है पुनर्विवाह हो सकता है जबकि ऐसा पहले नहीं था नाउ द थर्ड इज केशवचंद्र सेन वो राजा राम मोहन राय के ही क्या थे फॉलोअर्स थे अनुसरणीय थे उन्होंने भी इस समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जिनमें से एक प्रयास था पर्दा सिस्टम जो प्रथा थी घूंघट था उन्होंने उसका विरोध किया नाउ दादाभाई नारा जी एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इन मैरिज फॉर मैरिज जिन्होंने जोर दिया बॉम्बे में इसके लिए यूनिफॉर्म लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड द मैरिज बाल विवाह को रोकने के लिए इन 1948 ज्योतिबा फुले ये आपने टीवी में भी सीरियल देखा होगा जो कि भीमराव अंबेडकर के उसमें सीरियल में देखा गया है कि ज्योतिराव फुले ने स्कूल ओपन किया जिसके लिए गर्ल्स के लिए उनकी वाइफ पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने उनकी हेल्प करी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और वो लड़कियों को क्या देती थी शिक्षा तो इन्होंने दोनों ने मिलकर एक समाज का उत्थान किया नारी का उत्थान किया रामाबाई हैनेडे ने डेडिकेट की अपनी पूरी लाइफ में उछावर कर दी औरतों के लिए नाउ द नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन वुमेन स्टेटस अब क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए क्या क्या सुधार हुए तो इससे बहुत सारे सुधार हुए द स्टेटस ऑफ वुमेन चेंज पूरी तरह से जो स्तर था वुमेन का वो बदल दिया द पार्ट टू पार्ट इन द होम ऑफ वुमेन विच वॉज स्टेड बाय द एनी बेसेंट के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया मुंडू मूवमेंट जिसका
सारी औरतों की एक मीटिंग ली जाए, वॉज फाउंडेड 1927 में जो कि कॉन्फ्रेंस रखी गई एक वुमेन मूवमेंट बिगन इन इंडिया, जिसे पूरे भारत में जो ये आंदोलन था ये शुरू कर दिया गया किसके लिए, औरतों के विकास और सम्मान के लिए। इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर, अब इसमें साहित्य का क्या रोल था, जो ये बुक्स हैं जो लिटरेचर है इसका क्या योगदान रहा, इसका भी काफ़ी कुछ रहा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद जो कि बहुत बड़े कवि थे, राइटर थे इस पीरियड में, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बुक छापी, कुछ मैगजीन छापी और द फाउंडर ऑफ आर एस आर, जिसके क्या करें कि लोग उनको पढ़ें और उनका जो मेंटेलिटी है, उनकी जो सोच है वो टोटली चेंज हो जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंडर किया आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि मेन क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन में भी आता है कि ये आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वो क्या करते थे, सपोर्ट फीमेल एजुकेशन, वो फीमेल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान था उनका, एंड ऑल्सो स्टार्टेड उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना करी गर्ल्स स्कूल के लिए। द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ जो एक आंदोलन था जिसमें सर सैयद अहमद ने सपोर्ट किया द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन, जिन्होंने औरतों के एजुकेशन पर जोर दिया। सरोजिनी नायडू को भी बहुत अच्छा समाज सुधारक माना जाता है, उन्होंने भी वुमेन के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो भी बताया 1927 में रखी गई, जिसमें गुड टीचर्स एंड स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, काफ़ी जो टीचर्स थे और स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, एक संस्था खोलनी शुरू कर दी लोगों के सोच को बदलने के लिए और औरतों के मान सम्मान के लिए। द एफर्ट ऑफ दी सोशल रिफॉर्मर्स, ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे समाज सुधारक थे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के, लीड टू द ग्रोथ ऑफ द वेरियस एसोसिएशन विच हेल्प द इम्प्लीमेशन ऑफ द मूवमेंट, जिन्होंने औरतों के पूरे अस्तित्व को परिवर्तित करके रख दिया। सो दीज आर द सोशल रिफॉर्मर, दे हैव चेंज द टोटली लाइफ ऑफ द वुमेन टू रेस्पेक्टेबल टू ह्यूमनिज्म, जिससे उनका जो एक विकास है, जो जनरेशन है आगे की शिक्षा पा सके, जो आगे की जनरेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो सके। सो द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, वी विल सेट द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट। सो टिल देन यू कैन रीड द चैप्टर वेरी क्लियरली।